दोस्तों, फिर एक नया दिन। आज के टारगेट में आपको थोड़ा सा मॉडरेट है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी आज स्टार्ट करेंगे। सबको मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको दे दिया है और मैंने रेफरेंस भी बताया था कि चंद्र अकेडमी में जो सौरिक यादव सर ने जो बुक लिखा है वो आप बुक रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो ग्रुप में आपको सेंड किया, उसको प्रिंट निकाल लीजिए और उसी को आधार मान के पढ़ना शुरू करेंगे आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमी। और ये टारगेट रखेंगे कि हमारा अगले 4 दिन में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन में हमारा टारगेट रखना है। आपको भी, आप भी माइंड सेट रखिए कि 4 दिन में हमको इंडियन इकोनॉमी ख़त्म करना है। तो आज कुछ लोगों का टेस्ट होगा, पेपर 4 का फुल लेंथ टेस्ट है, तो आप आराम से पढ़ के दीजिए अपना टेस्ट, उसके बाद आके अपने टारगेट को कंटिन्यू करिए। तो पेपर 7 का पार्ट 1 का जो पोर्शन है इंडियन एक्ट वाला, तो उसमें हम लोगों ने दो एक्ट, रोज दिन 2 एक्ट, रोज दिन 3 एक्ट ऐसा पढ़ते हम लोगों ने आज के दिन अगर 2 और एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एक और अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 3 एक्ट पढ़ने की आज आपको टास्क मिला हुआ है। 3 एक्ट हैं, 3 के नोट्स भी आपके पास हैं, वो मोर देन सफिशेंट हैं। वो अपडेटेड फॉर्म में मैंने आपको नोट्स बना के दिया है कि उसको अमेंडमेंट के बाद उसमें और क्या चेंजेस हुए हैं वो भी उसमें अच्छे से इंक्लूड हैं। तो आप उसको भी प्रिंट करा के पेपर 7 पार्ट 1 में आज कंप्लीट उसको करिए। इससे क्या होगा, आपका इंडियन एक्ट वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। इतना आज कर लेते हैं तो इंडियन एक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेपर 4 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो ये आज का टारगेट है आपका। इंडियन इकोनॉमी में भी जो पोर्शन आपको पूछा है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और संरचनात्मक परिवर्तन वाला कुछ टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स हैं, और नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है, तो वो आप पढ़िए। और उसमें इसके बाद हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। वर्तनी शुद्धि में आप पहला लिखना ऋतु, रिद्धि, लघुत्तर, वांछनीय, वाक्पटु, वाल्मीकि, वाग्मय, वाहनी, व्यवहारित, व्यावसायिक, व्यंग, व्यंग्योक्ति, व्यंग्योक्ति, वेशभूषा, वेशभूषा। तो ये वर्तनी शुद्धि में था आपका। विलोम शब्द में लिखना पहले स्वीकार, सविकार, सशंक, सशस्त्र, सहयोगी, सहृदय, सांसारिक, सानुनासिक, सार्वजनिक, सित, सुंदरता, सुकीर्ति, सुयश। ये विलोम शब्द में है, आप विलोम शब्द लिखें। मुहावरा में पहला लिखना प्राणों पर खेलना, फूंक फूंक कर पांव रखना, बहती गंगा में हाथ धोना, बात का पतंगड़ बनाना, बालू से तेल निकालना, बेपेंदी का लोटा, भीगी बिल्ली बन जाना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये आपका मुहावरा का टास्क है आपका। इसके साथ ही हम लोगों ने कल तक में छत्तीसगढ़ी महिला साहित्यकार का टारगेट ख़त्म कर लिया था, तो हमारा छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार कंप्लीट हो रखा है। तो आज आपको आगे नहीं पढ़ना है, महिला साहित्यकार को एक बार और पढ़िए, उसको याद करने का प्रयास करिए। तो इतने में आप ये मान के रखिए कि आपका महिला साहित्यकार कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोगों ने पुरुष साहित्यकार जो है अनंत प्रसाद पांडे से स्टार्ट करेंगे। एक और में आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश भी आपको लिखना है। पहला है डोंगरी, डोंगरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढुरू, ढुरू को क्या बोलते हैं, ढेंकी, ढेंकी मतलब क्या होता है, तरिया मतलब क्या होता है, तिरपटहा और तालाबेली। और फिर है, हिंदी बता रहा हूँ उसका छत्तीसगढ़ी बताना, पहला है खटमल, खटमल के बाद है गुस्साना, फिर लिखना आप आंखें दिखाना। ये आप छत्तीसगढ़ी शब्दों को आप कंप्लीट करेंगे।
और मैंने आपको हिंदी और विलोम शब्द के भी जो टारगेट दिया है उसको एक कॉपी में बनाते चलिए। वीक के बाद हम लोग उसी कॉपी को ही एक बार और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यही है आज का, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।